देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बिना खाए रहा ना जाए, ऐसा ही इंस्टेंट प्याज का चटपटा अचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना और मैं आज के आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज का इंस्टेंट अचार और तवा रोटी की रेसिपी। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साधना अजय किचन पर। आज की हमारी रेसिपी होने वाली है तवा रोटी के साथ इंस्टेंट प्याज का अचार, जो कि हम 2 मिनट में बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। लेकिन आपसे पहले निवेदन है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम तैयार करेंगे रोटी के लिए डो। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप आटा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हमें डो लगाना है, तो डो के लिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, हमें एक साथ डो में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें डो में पानी डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। हमें परफेक्ट डो लगा के रेडी कर लेना है, उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप डो लगाना है। अब हम अच्छे से डो को गीला कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो डो है अच्छे से गीला हो चुका है, या कहें तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। 4 से 5 मिनट तक हमें इसे रेगुलर गूंथ लेना है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा नरम होकर हमारा डो यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है। ये हमारा डो यहाँ पर लगकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दूसरी चीज़, यानी कि 1 चम्मच घी। इससे हमारा डो है एकदम नरम रहेगा और जो हमारी रोटी है वो एकदम फूली फूली आएंगी और नरम रहेंगी, एकदम मुलायम, सॉफ्ट रुमाल जैसी। घी लगाने के बाद 1 मिनट तक इसे अच्छे से घी को आटे में मिलाएंगे। अब एक गीले कपड़े से इसे ढककर रख देंगे। तो चलिए अब करते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप के लिए यहाँ पर हमने ली हैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज। इन प्याज का हमने छिलका अलग कर लिया है। साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 4 हरी मिर्च। अब हम साइड से प्याज को काट लेंगे। ध्यान रहे, हमें दोनों साइड का एक्स्ट्रा पार्ट हटाकर लंबी लंबी स्लाइसेस में प्याज को काट लेना है। आप चाहें तो छोटे पीस में भी काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लंबे स्लाइसेस में काटेंगे तो हमारी अचार का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब एक इस बाउल में इसको शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल में सारी प्याज को डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जो कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी हैं, या कहें तो बीच से काट ली हैं। अब डालेंगे यहाँ पर हम 1 चम्मच सौंफ, साथ ही जाएगा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी। बेसिक से मसालों से बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जाएगा 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 ही चम्मच यहाँ पर जाएगा भुना हुआ जीरा पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ और जो हमारे मसाले हैं मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी। 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे और फिर हमारा जाएगा यहाँ पर 1 चम्मच राई। राई को अच्छे से भुनने देंगे। यहाँ पर हमारी राई अच्छे से भुन चुकी है, तो ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है, हम डाल देंगे अचार में। तो यहाँ पर तड़का डालने के बाद कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारे अचार का यहाँ पर टेक्सचर आना शुरू हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको आप दाल, चावल, लंच, डिनर, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, साथ ही 1 चम्मच विनेगर। इससे हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते तो आप 1 हफ्ते तक भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से नरम हो चुका है, तो इसके छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे और बेलना शुरू करेंगे। अब हम इन्हें समान आकार में बेलेंगे। रोटी को हमें कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं बेलना है, बिल्कुल समान आकार में बेल कर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने समान आकार में बेलकर रोटी को रेडी कर लिया है। अब इसे डालेंगे गरम तवे पर। तो यहाँ पर तवा हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, हम इस पर डाल देंगे अपनी रोटी।
एक तरफ से पक जाने के बाद हम रोटी की साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद हमें तवे पे अच्छे तरीके से रोटी को पका लेना है, जिससे हमारी रोटी अच्छे से फूल सके। आप चाहे तो टोटल रोटी को तवे पर भी बना सकते हैं। अब हम इसे गैस के फ्लेम पर डाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी रोटी है वो डालते ही फूल चुकी है। तो कुछ इस तरीके से फूली फूली रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। आइए अब हम इन पे लगाएंगे घी। तो घी लगाने के बाद ये हमारी रोटी जो है यहाँ पर इनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम सर्व करेंगे इन पर अपना प्याज का अचार। तो यहाँ पर मैं प्याज का अचार सर्व कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आती होंगी। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप भी बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। और मेरे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।